नंबर 8 देखिए, एक एक पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए, बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ओके, और फिर बोले सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस दिए हैं, उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाएगा ये आपको बताना है, और साथ में आपको क्या बताना है, कुछ रीजन देना है कि भाई आप ऐसा क्यों बता रहे हो। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो, अगर आप कॉनकेव मिरर बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो, अगर आप प्लेन मिरर बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो। ठीक है ना, जैसे कि बच्चों आपको फर्स्ट सिचुएशन दी है हेडलाइट्स ऑफ अ कार। अब देखिए मैं आपको रियल सिचुएशन बताता हूँ बच्चों। हेडलाइट्स ऑफ अ कार में क्या होता है, कभी आप अपनी कार के सामने खड़े होकर देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये अंदर एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा रहता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऐसा अंदर की तरफ धंसा रहता है, ये देखा आपने, देखिएगा ये ऐसा गुफा जैसा, ऐसा ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है। अगर अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक मैं कैप ले लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा। स्टूडेंट्स देखिए बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, आज जाके कार में देखिएगा अपनी या अपनी बाइक वगैरह में देखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये एक ऐसा अंदर रिफ्लेक्टर रहता है जिस पर सिल्वर की पॉलिश रहती है, और ये बल्ब लगा रहता है लीजिए यहाँ पे, अब याद आया, और सामने एक वो लोग क्या करते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास दे देते हैं। तो आप ट्रांसपेरेंट ग्लास को मत देखो बेटा, ट्रांसपेरेंट ग्लास तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है कि भाई पानी बरस जाए तो कहीं वो फ्यूज़ ना हो जाए, या कोई ऑब्जेक्ट आके उस पर बॉल ना लग जाए किसी बच्चे की तो बल्ब टूट जाएगा। अब ये देखिए ये बल्ब लगा दिया, ये क्या है कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, और ये बल्ब लगा दिया। अब बल्ब कहाँ जाता है बच्चों, इस तरीके से सेटिंग करते हैं इसकी कि बल्ब कहाँ पे सेट हो जाता है, बल्ब आके जब इसको बल्ब को ऐसा होल्डर में लगाते हैं तो बल्ब बच्चों ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कहाँ पर, बल्ब की पोजीशन ही ऐसी रखी जाती है कि ये ऑटोमेटिकली कहाँ सेट हो जाता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर के फोकस पे, कॉनकेव रिफ्लेक्टर के फोकस पे। अब याद रखिए, याद करिए, जब कॉनकेव मिरर, भाई कॉनकेव रिफ्लेक्टर कैसा काम करेगा, कॉनकेव मिरर जैसा ही तो काम करेगा, ठीक है। और बल्ब कहाँ गया बताइए, फोकस पे। अब जब बल्ब फोकस पे आ गया, बल्ब क्या है, लाइट का सोर्स है, जैसे ही आपने कार की लाइट ऑन करी रात में, ठीक है ना, तो सोर्स कहाँ गया, लाइट का सोर्स फोकस पे। अब फोकस पे अगर सोर्स है तो बताइए ये रिफ्लेक्ट करके रेस को कहाँ पे भेज देगा, पैरेलल भेज देगा, और बहुत दूर भेजेगा, ठीक है ना। आइए हम आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स कुछ ऐसी कंडीशन होगी, ये देखिए ये आपका कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ठीक है ना, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये आपका पोल है, करेक्ट। थोड़ा सा इसको और अच्छा बना लीजिए ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, यहाँ कहीं बच्चों फोकस है, करेक्ट, और जो बल्ब होता है उसको कहाँ फिट किया जाता है, फोकस पे, यही मैंने आपको बताया था, ये बल्ब है। अब बल्ब से जो रेज निकलेंगी, चेक कर लो लाइट का सोर्स कहाँ गया, फोकस पे, तो फोकस से जो रेज निकलेंगी, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये, बस मैं 4 रेज लेके आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये रिफ्लेक्ट होंगी बच्चों, ठीक है ना, किससे, कॉनकेव रिफ्लेक्टर से, तुरंत क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। याद है आपको, फोकस से आती हुई रेज, फोकस से आती हुई रेज रिफ्लेक्टर, कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे टकरा के क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और ये वाली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, इस तरीके से ये पैरेलल बीम चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, देखिए जरा, आप कार चला रहे हो, ये देखिए ये दो आपकी हेडलाइट्स लगी, आप कार चला, जैसे आपने स्विच ऑन किया, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा बल्ब यहाँ लगा हुआ है, मैंने दिखाया नहीं आपको, ठीक है ना, ये ऐसा चली जा रही कार। सोचो लाइट निकलेगी, पहले इस पर टकराएगी, और टकरा के ऐसा पैरेलल हो जाएगी आपकी तरफ, पैरेलल जाएगी बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। अब जो डार्कनेस होती है रात में, ठीक है, काफ़ी अंधेरा होता है रात में, तो बस सामने जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा या सामने जो भी ऑब्जेक्ट होगा, रोड वगैरह, वो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगी, सामने के पेड़ वगैरह भी क्लियर दिखाई पड़ते हैं, बस यही है सिंपल सा फंडा, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे बच्चों, एक तो ये रे डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है ना, अपने सपोर्ट में, और थोड़ा सा थ्योरी लिख दीजिएगा क्या, कि अ कॉनकेव मिरर इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार, ठीक, ये लिख दिया। अब रीजन बताइए क्यों, दिस इज बिकॉज व्हेन अ लाइटेड बल्ब इज प्लेस, लाइटेड बल्ब मतलब ऑब्वियसली रात के टाइम आप उसको लाइटेड कर देते हो, स्विच ऑन कर देते हो तो बल्ब जल जाता है आपका, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज व्हेन अ लाइटेड बल्ब इज प्लेस एट द फोकस, तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब लाइटेड बल्ब को हम फोकस पे प्लेस करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बताइए, व्हेन अ लाइटेड बल्ब इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव रिफ्लेक्टर, देन कॉनकेव रिफ्लेक्टर प्रोड्यूसेस अ पावरफुल बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेस। चेक करिए ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, ये देखिए ये बीम है पावरफुल बीम है पैरेलल रेस की, बीम मतलब बीम समझते हो, बंडल, रेस के बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम, जब बहुत सारी रेस पैरेलल निकलती तो उसके बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम, तो ये बीम है, ऐसी बहुत सारी पैरेलल रेस होंगी उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, बीम, ठीक है। दिस बीम ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अप टू अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, कुछ दूरी पे भी जो हमसे ऑब्जेक्ट होते हैं काफ़ी दूर पे, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट भी हमें क्लियरली दिखाई पड़ने लगते हैं इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। बहुत ईजी है, करते हैं पार्ट बी। नाउ स्टूडेंट्स, साइड रियर व्यू मिरर्स ऑफ अ व्हीकल,
ओके, आपने देखा है आप ऐसा कार चलाते हो, देखो ऐसे, ये आप ड्राइवर हो, आपकी कार इधर जा रही है, इधर बोर्ड की तरफ जा रही है, ठीक है ना। आप पीछे ट्रैफिक लगा हुआ है, आपने देखा होगा एक साइड में ऐसा मिरर लगा रहता है, एक राइट हैंड साइड लगा रहता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, है ना, आपकी विंडो के पास। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइड मिरर या फिर रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मीन्स व्हाट, रियर मीन्स पीछे का व्यू लेने वाला मिरर होता है ये, ठीक है ना। ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है ये, कॉन्वेक्स मिरर। अब क्यों होता है ये हम आपको फटाफट बता देते हैं बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर जब हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ठीक है। ये बल्जिंग आउट सरफेस है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पीछे पॉलिश करी हुई है, ठीक है ना। अब याद करिए, इसका फोकस यहाँ कहीं होता था और ये होता था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। अब याद करिए बच्चों, ये आपका पोल है। कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज हमेशा आपको कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बट डिमिनिश्ड मिलेगी, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, पोल के पहले यहाँ पर, यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है ना। चलिए इससे हम लोग इमेज बनाते हैं, कैसे बनाएंगे बताइए। एक रे हम लोग पॉइंट ए से पैरेलल लेके आएंगे, और पैरेलल आती हुई रे कहाँ से पास करती है, फोकस से। तो ये देखिए फोकस से पास कर गई, ठीक है ना, ठीक। पास क्या कर गई, पास नहीं करती है, वर्चुअली पास करती है, मतलब समझो ना। ये तो हमने आपको बस दिखाने के लिए बताया, होता क्या एक्चुअल में, इस पॉइंट पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो बिहाइंड द मिरर तो चली नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होके तो इधर ही आएगी ना। लेकिन अगर हम अपनी आंखों से देखें तो हमारे ब्रेन को लगेगा ये कहाँ से आ रही है, फोकस से, ठीक है ना। तो आपको ऐसा करना चाहिए था, ये इसको डॉट डॉट से दिखाना चाहिए था, ठीक है ना, ये ऐसा, ठीक है ना। और दूसरी रे बच्चों आप लोग ले आइए, एक काम करिए आप ले आइए दूसरी रे, प्रिंस यहाँ पे पोल पे ले आइए। ये देखिए पोल पे आ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा, मान लीजिए 30 डिग्री पे इंसिडेंस कर रही है 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे अगर हम अपनी आईज लगाएंगे तो हमारा ब्रेन क्या सोचेगा, ये मिरर में कहीं ऐसा पीछे से आ रही है, तो ध्यान चेक करो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड है और ये सेकेंड, ये यहाँ से आती हुई नजर आ रही है, यानी कि पॉइंट ए की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। तो ये देखिए ए डैश, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा किसका इमेज, बी का, जो कि क्या हो जाएगा बी डैश। तो ए डैश बी डैश आपको इमेज मिलेगा जो कि पोल और फोकस के बीच में मिलेगा, कैसा है बताइए, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है। चेक करो ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और आपको ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो छोटी मिली है, तो कैसा नेचर इसका, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कैसा है बताइए, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश मीन्स छोटा हो गया इमेज आपका, ठीक है ना। एक और कंडीशन इसमें हो सकती है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये रहा आपका प्रिंसिपल फोकस, ये आपका पोल है, ठीक। अगर पैरेलल है ऑब्जेक्ट, पैरेलल ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो पैरेलल आती हुई रेज कहाँ पे मीट करेंगी बताइए, फोकस मीट क्या करेंगी, मीट करते हुए अपीयर होंगी, मीन्स इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगी तो फोकस से आते हुए नजर आएगी। इसको बैक ट्रेस करिए, और इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगी ये वाली, तो ये देखिए इमेज कहाँ बन रही बताइए, फोकस पे। तो दो ही केस होते हैं क्या, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, और या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी हो, इमेज हमेशा आपको कैसे मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है ना। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश्ड हो गई, बहुत ही छोटी हो गई। तो अब एक बात बताओ बच्चों, अब आप अपनी कार ऐसे चला रहे हो, ठीक है ना, और ये देखिए ध्यान से इसको देखो, मान लो ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये मिरर है, ये कैसा है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऐसा बल्जिंग आउट है, ये आपकी कार में ऐसा मिरर लगा है, तो पीछे जो ट्रक्स वगैरह होंगी, जो पीछे ट्रैफिक होगा, वहाँ से रे आएंगी, इस पर ऐसा टकराएंगी। अब सोचो ये आपका मिरर है, तो इसका पोल यहाँ पे होगा, चेक करो ये मिरर है तो पोल यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब पोल के फ्रंट में, यानी कि मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, तो चेक करो अगर हम कार ऐसे चला रहे हैं और हमारा मिरर ऐसा लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, तो हमारे पीछे जो भी ट्रैफिक है वो कहाँ जाएगा ऑटोमेटिकली, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। चेक करिए पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई ट्रक या बस पीछे है हमारे, या कोई भी गाड़ी है पीछे अगर, ठीक है ना, तो उसकी इमेज कैसी दिखाई पड़ेगी, छोटी दिखाई पड़ेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। बस इस तरीके से बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की इमेज हमको छोटी छोटी मिलने लगती हैं, तो ये छोटे से मिरर में हमको पीछे का ट्रैफिक पूरा दिखाई पड़ने लगता है, बस सिंपल है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, हमें एक वाइडर फील्ड मिलता है पीछे का, हमें एक वाइडर फील्ड का व्यू मिलता है, ठीक है, एक काफ़ी चौड़ा फील्ड आप पीछे का देख सकते हो। तो बस यही आपको लिखना है, क्या लिखना है देखिए, इसमें आपको लिखना है कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों इसमें रीजन आपको क्या देना है, कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर, बल्कि आप बोल सकते हो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स, ऑलवेज हमेशा,
हमेशा कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज देते हैं, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देते हैं, किसकी, ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसा हम कार चला रहे हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स रखा हुआ है, तो इसके पोल के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, हमारी गाड़ी के पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इस कॉन्वेक्स के लिए कहाँ पे होंगे, फ्रंट ऑफ द मिरर होंगे, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है, तो सभी की इमेज इस शीशे में बन जाएगी इस कॉन्वेक्स मिरर में, बस कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है ना। देखो बच्चों यहाँ पर वर्चुअल से तो हमें कुछ खासा मतलब नहीं, इरेक्ट से मतलब है, इरेक्ट से क्यों क्यों मतलब है, अब बच्चों मान लीजिए कोई ट्रक है, ट्रक के पहिए नीचे हैं और छत उसकी ऊपर है, तो वैसी तो दिखनी चाहिए, अगर ट्रक ऐसी है तो ऐसी तो दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि पहिए आपको ऊपर दिखाई पड़े छत नीचे दिखाई पड़े, तो हर बार आप देखो इमेज कैसी बना रहा है, अगर मार्कर ऐसा है तो आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, ये वाला पोर्शन जो ऊपर है वो ऊपर ही दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नीचे दिखाई पड़ेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अच्छी बात है हमारे लिए, इन्वर्टेड तो नहीं है ना, इन्वर्टेड ट्रैफिक देख के क्या करोगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो बस ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस दे हैव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, इट एनेबल्स ड्राइवर टू सी द मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर, अब हिम और हर इसलिए लिखा है बिकॉज जो ड्राइवर है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, नोट कर लीजिए, सिंपल है। पार्ट सी, सोलर फर्नेस, ठीक है ना, सोलर फर्नेस का पहले मैं आपको फंक्शन समझाता हूँ, देखिए बच्चों सोलर फर्नेस, फर्नेस मतलब क्या होता है, चूल्हा, गांव वगैरह में देखा होगा आप लोग ने चूल्हे का क्या काम होता है बच्चों, चूल्हे में कुछ बर्तन ऐसा रख देते हैं और उसमें कुछ गर्म करते हैं, हाँ ठीक है ना, यही तो काम होता है, ऑर्डिनरी चूल्हा आपने देखा होगा जो लकड़ियों से चलता है ना, कुछ इस शेप का वो ऐसा चूल्हा होता है, ये ऐसा, और इस पर ऐसा बर्तन चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, और यहाँ ऐसा ये लकड़ी वगैरह लगा कर इसमें ऐसा फायर दे देते हैं, और ये फायर इसको हीट देता है, तो फर्नेस का मतलब होता है चूल्हा, ठीक है ना, बस सिंपल सा फंडा है। अब देखो इस चूल्हे में हीट प्रोड्यूस करें आप चाहे लकड़ी से करिए चाहे सोलर एनर्जी से करिए, अगर सोलर एनर्जी से यहाँ हीट अगर प्रोड्यूस करोगे तो आप इसको क्या बोलोगे, सोलर फर्नेस, बस सिंपल। अब देखो होता क्या हम आपको बता रहे हैं, देखिए बच्चों जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, अब यहाँ मेटल का स्क्रैप मिला, ठीक है, स्टील का स्क्रैप मिला या आयरन का स्क्रैप मिला, अब आयरन का मान लो स्क्रैप समझ रहे हो मलबा, हाँ फालतू के आयरन के, किसी मान लो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, हाँ अब वो उसका जो ट्रेन का बोगी वो तो ख़राब हो गया, अब उसके जो मेटल वाले पार्ट निकलेंगे उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद फिर से नया शेप उसको देंगे, रिकास्ट करेंगे, यही करेंगे, तो मेल्ट तो करना पड़ेगा। अब बच्चों एक बात बताओ, मेटल को मेल्ट करने के लिए क्या करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप या तो कोल से उसको गर्म करो, इतना ज़्यादा हीट वहाँ पर प्रोड्यूस करो, और या तो मतलब आप कोई फ्यूल यूज़ करो, कोई ईंधन आप यूज़ करो, उसमें बच्चों आपका खर्च बहुत ज़्यादा होगा, तो क्यों ना जो फ्री की एनर्जी हमको मिल रही है, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो हम यूज़ कर लें, जैसे कि सोलर एनर्जी, भाई आप चाहो तो मेटल के पीस को एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में भी आप हीट कर सकते हो, आपने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक करंट में, क्या कि इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हीट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन बच्चों आप इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस करके उस मेटल को मेल्ट तो कर सकते हैं, उसको पिघला तो सकते हैं, लेकिन बच्चों फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन देगा, सही है ना, तो इससे अच्छा हम एक काम करते हैं ना, क्या सोचो हम एक काम करते हैं, दिमाग लगाइए बच्चों, हम एक काम करते हैं, बड़े बड़े ये सोलर रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ये ऐसा कॉनकेव समझते हो ना, ये ऐसे ये रिफ्लेक्टर बड़े बड़े लगा दिया ये, और सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होगा, हम आपको एक रिफ्लेक्टर बना के दिखाते हैं, इसको देखिए बच्चों, ये देखिए ये एक ऐसा रिफ्लेक्टर है, ठीक है ना, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, कैसा रिफ्लेक्टर है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये बच्चों इसका फोकस है, ठीक। अब ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्टर ले लिए, सोचो एक इधर लगा हुआ है एक इधर लगा है, इसका वाला फोकस भी यहाँ आ रहा है और इसका वाला भी फोकस यहाँ आ रहा है, दोनों का फोकस यहाँ आ रहा है, हाँ फिर दो ऐसे सामने सामने लगे होंगे, दोनों के फोकस उसी पॉइंट पे होंगे, फिर ऐसे सामने सामने लगे होंगे, हाँ फिर एक ऐसा तिरछा यहाँ से लगा होगा, फिर ऐसे नीचे से एक लगा होगा, इसका भी फोकस यहाँ, बहुत सारे रिफ्लेक्टर लगा दिए और सबका फोकस कहाँ आ रहा है, एक ही पॉइंट पे आ रहा है, अब क्या होगा सोचिए जरा, कॉनकेव मिरर, सन से जो रेज आएंगी, सन से जो रेज आती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल रेज होती हैं, और कॉनकेव रिफ्लेक्टर या फिर कॉनकेव मिरर क्या करता है बताइए, पैरेलल जो रेज आएंगे उनको कन्वर्ज कर देगा, उनको कन्वर्ज कर देगा, एक कन्वर्ज मतलब उनको ऐसा रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे भेज देगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे बच्चों, देखिए ये मान लीजिए सन से रेज आ रही हैं, ये देखिए ठीक है पैरेलल रेज आ रही हैं, तो ये रिफ्लेक्टर बच्चों क्या करेगा बताइए, ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर क्या करेगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ऐसा फोकस पे जाएगी और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ऐसा फोकस पे जाएगी, सही है ना। अब बच्चों ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्टर हो रहे हैं, चेक करो, तो ये भी पैरेलल रेज को रिफ्लेक्ट करके फोकस पे भेज रहा है, ये भी सन की पैरेलल रेज को
रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेज रहा है, फोकस पे, ये वाला भी फोकस पे भेज रहा है। इस तरीके से फोकस पे बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी आ जाएगी। भाई सनलाइट में क्या होती है, जो सनलाइट में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। उससे आपको गर्मी लगती है, महसूस किया है कभी गर्मी लगती है आपको, तो उसमें हीट एनर्जी तो होती है। अब इतने सारे रिफ्लेक्टर्स बच्चों खूब सारा सनलाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर देंगे, और हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर हमने फर्नेस रख रखा है, एक फर्नेस। इस फर्नेस में क्या रख रखा है बताइए, इस फर्नेस में हमने मेटल स्क्रैप रख रखा है। इस फर्नेस में हमने क्या रखा है, मेटल जिसको हमको मेल्ट करना है उसको हमने रख रखा है, और बस जैसे ही मॉर्निंग होती है इसमें मेटल डाल के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और हज़ारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे बनने लगता है, और जो भी आपका मेटल होगा वो मेल्ट हो जाएगा। बताइए एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, क्या सिर्फ कॉनकेव रिफ्लेक्टर आपको लगाना है, बस शाम तक का इंतज़ार करिए, ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है। और अगर आप बच्चों इलेक्ट्रिक करंट से हीट देते तो भाई बार बार आपको पैसा देना पड़ता ना, बिजली का बिल देना पड़ता है इंडस्ट्री को, तो रादर देन उससे एक बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। तो बस इन्होंने हमसे ही पूछा है सोलर फर्नेस में आप कौन से मिरर का यूज़ करेंगे, तो जवाब है सोलर फर्नेस में हम लोग कॉनकेव मिरर्स का यूज़ करेंगे। व्हाई? बिकॉज कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर मीन्स, ध्यान से करो, पैरेलल रेज़ को कन्वर्ज कर दिया एक ही सिंगल पॉइंट पे, ठीक है ना। That is why they are used to construct solar furnaces. Concave mirror converge the light incident on them at a single point known as the principal focus. ठीक है ना। देखिए concave mirror क्या करता है, कन्वर्ज करता है किसको, लाइट्स को जो इन पर पड़ती हैं, और सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर। ये लाइट कहाँ से आ रही है, सन से, जो भी पैरेलल होंगी तो फोकस पे इसको कन्वर्ज कर देगा। और इसी फोकस पे क्या रखा हुआ है बच्चों, इसी फोकस पे फर्नेस रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो आप ये भी बोल सकते हो कि concave रिफ्लेक्टर क्या करते हैं, सारी की सारी पैरेलल रेज को कहाँ कन्वर्ज कर देते हैं, फर्नेस पे, फर्नेस फोकस पे रखा हुआ है। और फर्नेस में क्या रखा हुआ है, फर्नेस में कोई मेटल रखा होगा जिसको हमें मेल्ट करना है, बस सिंपल, ठीक है ना। उसमें डिटेल में नहीं जाना है हमको, बस हमको यहाँ पे आंसर दे देना, तो हमने दे दिया। हैंस दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनेगी, और इस हीट से जो भी मेटल स्क्रैप होगा आपका मेल्ट हो जाएगा, आप उसको रिकास्ट करके दोबारा यूज कर सकते हैं। ओके,